बहुत दुख की बात है कि भाई हमारा जो तोता है वो भाग चुका है। ये लास्ट कबूतर रहेगा, इसमें मेरे को पूरी पूरी उम्मीद है कि ये सबसे लंबा निकलेगा। अगर नहीं निकला लंबा, इसकी पूंछ काट दूंगा अभी पूरी। हेलो दोस्तों, क्या हाल है मेरे सभी प्यारे कबूतरबाज भाइयों की। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे कबूतरबाज भाई लोग बढ़िया होंगे और आपकी कबूतरबाजी बढ़िया मस्त चल रही होगी। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, वीडियो में तो आपने देख ही लिया होगा स्टार्टिंग में कि हाँ भाई हम क्या करने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हमारे वे भाई, ये मेरे हाथ में इंची टेप है, मेजरिंग टेप, और इससे मैं क्या करने वाला हूँ आज आपको पता लग गया। यार काफ़ी दिनों से मेरी इच्छा थी कि भाई ये वीडियो बनानी है, और आज फाइनली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज की वीडियो में हम करने क्या वाले हैं कि आज की वीडियो में देखो, आपने बहुत सुना होगा, और कैसे ना कैसे बताते हो बंदे इतना लंबा करके दिखाई हो। मैंने हाथ में पकड़ रखा है ना फोन, तो मैं कैसे बंदे, हाँ बैठना है यहाँ पे। तो दोस्तों कभी कभी आपने देखा होगा, आपका कोई भी दोस्त बोलता है कि इतना लंबा कबूतर मैंने देख रखा है, इतना लंबा कबूतर देख रखा है। ठीक है, भले ही हो ना हो, वो होगा इतना ही, हाथ ऐसे करके रखो ना, भले ही हो होगा इतना ही, लेकिन बंदे बोलेंगे अबे भाई यार तू मानेगा नहीं, इतना लंबा कबूतर मैंने देख रखा, इतना लंबा था, कसम से इतना लंबा था। ऐसे बंदे बताते हैं यूं करके, हाँ हथेली पे रख के, कि इतना था। तो आज उसी चीज को, बस तुम्हारे हाथ का काम हो गया, तो बस आज उसी चीज को हमें हकीकत करके दिखाना है कि भाई हकीकत में इतना लंबा कबूतर होता है नहीं होता। एक अपने पास कबूतर हो काफी लंबा, कहाँ गया भाई वो, ये रहा देखो, ये कबूतर जो है काफी लंबा कबूतर है, इसको नापना। और मतलब मेरे पे लंबे लंबे काफी कबूतर हैं, और एक कबूतर और था यार, वो तो बेचारा मर गया जहाज मैंने जिसकी आपको बताई थी। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, बहुत दुख की बात है कि भाई हमारा जो तोता है वो भाग चुका है। यार कैसे तुमने भगा दिया यार, इतना मस्त था उसको, अभी उसके अंदर छोड़ते कबूतरों के अंदर, वो तोता जो है, ये कबूतर बैठा है ना इस कबूतर के बिल्कुल उस वाले मकान पे, इस वाले मकान पे देखो जाके बैठा हुआ जंगलों में। देखते हैं अगर वो और कहीं बैठेगा जाके तो पकड़ेंगे यार, ऐसे हर छत पे जाके पकड़ना अच्छा नहीं लगता ना। तो अगर मेरे घर के आजू बाजू में आता है तो उसे पकड़ेंगे, वरना तो छोड़ो यार, अपना जंगली तोता था, गया, कोई दिक्कत नहीं। मर जाता तो फिर यार काम खराब हो जाता, इससे बड़े भाग गया, आजाद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार, रेड कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो भाई, फ्री है, पैसे वैसे नहीं लगते। इधर रेड कलर का बटन होगा ऐसा, उसे क्लिक करो और सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट जरूर से करना, 10-10 कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की वीडियो में हम यही करने वाले कि कबूतरों का साइज नापेंगे इस इंची टेप से, सिर्फ लंबाई नापेंगे, ऐसे खड़ान नहीं नापेंगे, सिर्फ जैसे कि बंदे बताते हैं ना यूँ हाथ करके इतना लंबा हमारा कबूतर, तो फिर बस वही नापना है। तो फटाफट से मैं क्या करता हूँ, जो मेरी छत पे टॉप के इतने सारे कबूतरों में से सबसे बड़े बड़े कबूतर हैं ना, उनको इस फड़की में भरता हूँ, इस पिंजरे में। ठीक है, वैसे तो बड़े काफ़ी हैं, लेकिन जो जो मुझे सबसे बड़े लगते हैं उनको भरता हूँ, और फिर उनको नापते कि उनमें से सबसे बड़ा कौन सा है। तो भाई वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहना, कुछ अलग चीज़ में करके दिखा रहा हूँ इस बार आपको, और वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, जैसे कि मैं स्टार्टिंग से आपको बोलता रहा हूँ, लाइक। कमेंट भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। और अब मैं कबूतर इसमें भरवाने चालू करता हूँ, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ सबकी लंबाई नाप के कि हाँ भाई कौन कितना बड़ा है। तो भाई वीडियो में एंड तक बने रहना हमारे साथ। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, मैंने कबूतर निकाले, इसके अंदर टोटल 7 कबूतर है। कबूतर बहुत है यार, बड़े बड़े, लेकिन इतने से मैं कैसे आएंगे, और दूसरी फड़की लाने नीचे जाना पड़ेगा, दूसरा पिंजरा, और इतने आलसी हम कि नीचे जाएंगे नहीं। ठीक है, और एक कबूतर जो है वो बाहर घूम रहा है, इसे इधर करो, बस ये रहा, लास्ट में इसको नापेंगे, मुझे पता है सबसे बड़ा यही होगा। तो फटाफट से नापते भाई, कबूतर निकालो, और एक भी कबूतर हाथ से नहीं छूटना चाहिए भाई, एक भी कबूतर इनमें से उड़ा हुआ नहीं है, वरना दूर दूर तक नहीं दिखेगा कभी भी। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा परेशान हो रहा है उसी को निकालो सबसे पहले। अच्छा इसको निकाला, ये तो नॉर्मल पटियाली कबूतर है, कितना होगा इसका, आज भाई सब करके देख लेंगे, थोड़ा इधर ले आओ पास। और दोस्तों हम इसको चोंच से नहीं नाप रहे, ठीक है, चोंच से नहीं नापेंगे, यहाँ से नहीं, इसके पोटे से नापेंगे। पकड़ो इंची टेप यार, वीडियो ना बड़ी ना हो जाए, पकड़ो वहाँ से लगाना बिल्कुल, थोड़ा और नीचे करो ना, देखो दोस्तों कहाँ से नाप रहे हम इसको, नाप रहे हैं हम 27 सेंटीमीटर,
देख लो दोस्तों, थोड़ा मैंने पीछे ही करवा रखा, वरना उसका मेन पोटा आगे है वहां पे, जहाँ पे वो नोक निकलती है पोटे की, देखना वहाँ। हाँ यहाँ पे दोस्तों देखो, आपको वीडियो में क्लियर दिख नहीं रहा होगा, लेकिन पोटे की जो नोक निकलती है ना, वहाँ से नपवा रहा हूँ मैं। अब देखो, अब 28 सेंटीमीटर हो रहा है, 28 सेंटीमीटर है। छोड़ दो इसे अंदर ले जाके, फटाफट छोड़ो भाई, वीडियो बड़ी हो जाएगी, 1.5 मिनट हो गए कबूतर नापने में। 28 सेंटीमीटर भाई, याद रखना, भूल मत जाना, ठीक है? तीन बंदे आ, तीन में से कोई तो याद रखेगा भाई। हकीकत में इतनी लंबी कबूतरी है, जबकि चोंच से नहीं नापा जब ये आए है। अपनी डार्लिंग आ गई फेवरेट, इसके पीछे तो भाई 100 कबूतर कुर्बान है। नापो इसे, नापो इसको भी, पोटे से नापो भाई, बेइज्जती मत करा दियो। अब थोड़ा गंदा हो गया यार, अब इसको बाहर खोलते नहीं ना, एक बार तो बच गया था बिल्ली के हाँ तो काम कर देती इसका। अच्छे से नापो ना भाई, तू क्या कर रहा, बारात में आया क्या? तुझे किस लिए हम तनख्वाह देते हैं 350 रुपये पर डे? बैठ के यहाँ पे देखना, अच्छे से लगा रखा पोटे पे, बिल्कुल आगे इसको ना। अबे भाई ये भी 28 सेंटीमीटर ही है, छोड़ दो इसे भी, छोड़ दो, दोनों 28 सेंटीमीटर है। फरकाबादी के नाम पे तूने बेची। तो दोस्तों ये है हमारा तीसरा कबूतर, सफ़ेद आँखों का पंजाबी, मस्त कबूतर है ये भी, ठीक है? इसकी दुम काफ़ी लंबी है, आ जा भाई नापने, पकड़ो भाई, अच्छे से लगाना भाई, तुम पीछे लगा रहे हो पोटे के, हाँ इतना बहुत है। दोस्तों देखो, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं लगा रहे, अगर आपको दिख रहा है कि हवा में लग रहा है तो फ्रंट से नाप के फिर लगा रहे हैं। अरे तेरी, ये तो 24 सेंटीमीटर का ही है सिर्फ, ये देखो। अब आपको लग रहा होगा 23, लेकिन ये जो परों की नोक है ना इसकी, ये 24 पे आ रही है, 24 सेंटीमीटर का ही है सिर्फ। पीछे कर रखा है भाई तुमने, बहुत पीछे हो, बहुत और आगे करो हल्का, बस बस बस, हाँ 25 सेंटीमीटर 26 सेंटीमीटर, छोड़ दो, सारे वही हैं। मतलब ये छोटा है, वो दोनों फरकाबादी और वो पीली भवरी थी, वो तो 28 सेंटीमीटर के थे। अरे इसको कहाँ ले आए, पूछ ही नहीं पूछनी है चलो कोई बात नहीं, ये देखो, ये पतझड़ मौसम की तरह पतझड़ हो रखा है, यही कम कबूतरों में रहता तो कितना सुंदर रहता। अरे भाई क्या लिख रहा है तू, याद नहीं रहेगा क्या तेरे को इतना? इसलिए बोलते कबूतरबाजी मत करो, पढ़ाई करो। पकड़ी से भाई, ये तो हाथ में ही नहीं आ रहा, छोड़ दो इसे, छोड़ दो भाई, अंदर छोड़ दो, बाहर मत छोड़ना भाई गलती से भी। क्या दूसरा निकालो, ये सारे एक से ही हैं कबूतर, फटाफट से नापो। अब डायरेक्ट जब नापूंगा ना, जब ही वीडियो में कंटिन्यू कर करके दिखाऊंगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी वरना, ठीक है? अभी कितना हो रहा है इसका, 28 है इसका भी, 28 है, चलो ठीक है नेक्स्ट निकालो, मैं वीडियो बंद कर देता हूँ। तो दोस्तों एक ये बसरा कबूतर है, और इसकी 3 साल से मादिनी नहीं मिली, आज तक खोजते रह गए, जाऊँगा किसी दिन लाल किला तो लेके आऊँगा। पकड़ो इसे, इधर मेरे पास लेके आओ ना थोड़ा, कितना इसकी नाप, सारे बेइज्जती करवा रहे हैं यार, ये भी 26.5 सेंटीमीटर है, 27 लग रहा होगा यहाँ पे है ये, छोड़ दो इसे भी, छोड़ दो, लास्ट कबूतर निकालो फटाफट, लास्ट नहीं अभी तो वो भी है, ये तो सिर्फ जोड़े वाले कबूतरों में से निकाले हैं, उड़ने वाले में से तो निकाले ही नहीं, अभी दिखाऊँ। इस वीडियो की यार बड़ी इच्छा थी मेरे को बड़े सालों से, कि ये वीडियो तो एक ना एक दिन बनानी है, ठीक है दोस्तों? ये कितना है, ये भी वही है भाई 26.5, इसे भी हटाओ, हटा दो भाई इसे भी, कहाँ मैं भाग गया। तो भाई एक लास्ट कबूतर रह गया, आ बस पकड़ लो, ये लास्ट कबूतर रह गया, इस पर मेरे को पूरी पूरी उम्मीद है कि ये सबसे लंबा निकलेगा, अगर नहीं निकला लंबा इसकी पूंछ काट दूंगा अभी पूरी। पकड़ो भाई पकड़ो, इसको अच्छे से नापना है बिल्कुल, लंबा नहीं होगा अभी तो पब्लिक को लंबा दिखा देना है। अबे भाई ये भी तो उतना ही है, 27 सेंटीमीटर 27.5 28। अच्छा मतलब सारे कबूतर एक से ही है यार, वो जहाज होता सबसे बड़ा, लेकिन यार वो मर गया। ये भी उतना ही है दोस्तों, 27 27.5 28 सेंटीमीटर मान लो, अब कुछ नहीं रहेगा। एक बार लक्की की नापे, लक्की छोटी होगी, एक बार लक्की लेके आना, लक्की की नापते हैं। अब फैंटेल कबूतरों की दोस्तों नाप के देख रहे हैं, फटाफट ले आओ।
आराम से भाई, ले आओ ले आओ ले आओ, ये लो भाई नाको पकड़ो, अच्छे से लगाओ ना आगे से। 10 इंची है तो दोस्तों पूरी, 25 सेंटीमीटर 10 इंची, इसकी भी धूम काटो, इसने बेइज्जती करा दी। छोड़ना एक बार इसे बाहर, परंत है क्या, परंत है नहीं, भाग ना जाए भाई, नॉर्मल लक्खो की तरह नहीं है भाई, इसमें फुर्ती बहुत है। और भी है कोई सा, देखें देख लो, अगर नज़र मार लो कोई सा, अगर बड़ा कबूतर हो तो, वो नहीं वो तो छोटी सी होगी। तो बस दोस्तों यही थी आज की वीडियो, मैंने आपको दिखा दिया कि हाँ भाई कबूतर क्या साइज होता है, लोग इतना बोलते हैं कि इतना लंबा कबूतर था, इतना लंबा कबूतर था। मैंने आपको 100-150 कबूतरों में से कुछ कबूतर छांट के निकाल के दिखाए, सारे 28-28 सेंटीमीटर के निकल रहे थे, ये लक्की तो यार 10 इंच की निकली सिर्फ, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो मैंने सेंटीमीटर से नापा है, क्योंकि सारे कबूतर वहीं पर पहुँच रहे थे, कोई इंच वाला था ही नहीं, क्योंकि जो उनकी दुम थी सेंटीमीटरों तक जा रही थी, तो मैंने बोला चलो वहीं से नापता हूँ। तो बस यही थी आज की वीडियो, इस वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और जो बोलते हैं कि इतना लंबा कबूतर था मेरे पास, इतना लंबा, उनको भी शेयर करना, और आप लोग भी बताना अगर आपके पास कोई कबूतर हो बड़ा कबूतर तो उसको नापना आज ही घर पे जाके, मतलब घर पे क्या, आप घर पे वीडियो देख रहे होगे, मतलब आज ही छत पे जाके, ठीक है। और मेरे को कमेंट ज़रूर करना है कि आपका कबूतर कितना बड़ा था, और भाई सच सच कमेंट में लिखना, ये मत लिख देना 50 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे लोग भी बहुत है कुछ भी लिख देते, तो भाई नाप के लिखना, मैंने तो आपको हकीकत दिखा दी। ये वीडियो बनाने का मेरी बहुत इच्छा थी यार, मेरे को बहुत मज़ा आया वीडियो बना के, मैंने आपको दिखाया। अब अगर फ्यूचर में कोई बड़ा कबूतर आता है तो मैं ज़रूर से किसी भी वीडियो के बीच में उसको नाप के आपको दिखा दूंगा, ठीक है। इस वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा पिजन्स लवर ग्रुप में, मतलब जितने भी आपके कबूतर प्रेमी दोस्त लोग हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना, मैं ऐसी कबूतरों से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ, अगर आपको नहीं यकीन तो आप चैनल खोल के देख सकते हो। और क्या बोलूँ, कमेंट कर रहे हो यार, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करके भर देना मेरी वीडियो को, शेयर ज़रूर से करना। और तो कुछ रह ही नहीं गया, मैंने आपको बता दिया 28-28 सेंटीमीटर के सारे कबूतर हैं। अगर आपके पास भी ऐसा कोई टॉपिक है तो मेरे को कमेंट कर सकते हो यूनिक सा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना भाई, और ले जाओ भाई ये सारा सामान ले जाओ। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, तो मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में।